हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कार डॉक्टर पे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने मोटरसाइकिल का घर पर ही चेन जो है चेन सेट को आप बदली कर सकते हैं। अगर आपका चेन सेट आपके मोटरसाइकिल का चेन सेट ख़राब होता है तो उसको आप कैसे बदली कर सकते हैं। ये दोस्तों इतना ईजी भी नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। इसमें ज़रूरत है तो बस आपके पास जो जो स्पैनर हैं वो होने चाहिए। तो मेरी माने आप एक स्पैनर सेट जो है, जो आता है कम्बिनेशन स्पैनर सेट, उसको आप घर पर ही मंगवा लें ताकि वो आपके छोटे मोटे कामों में वो इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज है मोटरसाइकिल मेरे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं, TVS का स्टार सिटी, और स्टार सिटी में आज हम बदलेंगे इसका चेन सेट। तो चेन सेट जो है काफ़ी नॉइजी था, जैसे आवाज़ आ रही थी इसमें चलते, जब स्मूथली नहीं चल रहा था तो उसको रिप्लेस करना ही था। तो दोस्तों काफ़ी साउंड आ रही थी इसमें और इसको हमने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने व्हील को निकाल दिया है, चेन सेट के कवर को भी निकाल लिया है, और फिर एक्सल का जो नट होता है 22 का, दोनों साइड से उसको खोल लिया है, और ये स्प्रोकेट हमने बाहर कर दिया है। तो स्प्रोकेट बाहर कर दिया है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं इसको कि इसमें जो जिसमें एक्सल जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, स्प्रोकेट को अलग करने के लिए इसमें एक चार नट दिए हुए हैं। उन चार नट के साइडों में लॉक हैं, लॉक पत्ती हैं, ऐसे पत्ती हैं, लॉक हैं, और वो बेंड कर रखे हैं। उनको मैं निकालने के लिए उनको सीधा कर रहा हूँ और फिर उन चार नट को खोल के उनको निकाल लूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो आगे वाला छोटा स्प्रोकेट होता है वहाँ पर जो स्प्रोकेट हाउसिंग है, सॉरी दोस्तों, जो स्प्रोकेट हाउसिंग है वो काफ़ी गंदी थी। उसको आपने क्या करना है, पेट्रोल लेके और ब्रश लेके उसको अच्छे से साफ कर लेना है, जिससे कि वहाँ पे साफ़ सफाई बनी रहे, वो बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं ये इसके नट खोल रहा हूँ और नट सारे खोल लिए हैं। अभी जो ये असम्बली है इसको मैं निकाल लूँगा। और एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था मैं, इस पर जो टिथ हैं वो 39 टिथ हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो नया असम्बली आएगा उसमें भी 39 टिथ ही हों। ये देखिए, अब मैं दिखाऊंगा इसका बेयरिंग, जो इसका बेयरिंग है, जो इसको भी आपने इसकी सर्विसेबिलिटी चेक कर लेनी है। ये देखिए, इसको आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है इसकी सर्विसेबिलिटी, कि ये बेयरिंग सही है या टूटा तो नहीं है। दोस्तों अब बेयरिंग सही है, ये है आगे वाला स्प्रोकेट छोटा, और ये देखिए ये जो टाइमिंग चेन को घुमाता है। अभी हम ले आएंगे नया, और ये देखिए ये है TVS का नया चेन स्प्रोकेट सेट, जो कि मैंने बिल्कुल जेन्युइन TVS कंपनी का ही लिया है। और इसमें हम खोलेंगे और सबसे पहले मैच करेंगे इसमें टिथ, कि इसमें 39 टिथ हैं कि नहीं है, और 39 टिथ ही हैं हमने देख लिया है। और ये इसको आगे वाले को यहाँ बिठा देना है, और सेम जैसे हमने जो बड़ा वाला स्प्रोकेट है पीछे जैसे उसको हमने निकाला था, वैसे ही सेम वहाँ पे हमने फिट कर देना है। और जो लॉक नट हैं, जो स्क्रू हैं, जो उनको हमने टाइट करके उसको लॉक भी कर देना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उसके 39 टिथ हैं कि नहीं है। ये देखिए, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, हाँ बिल्कुल, इसमें 39T लिखा हुआ दोस्तों, TVS 39T। तो इसको आपने वैसे ही लगा देना है, और लगाने के बाद सेम यहाँ पे अपनी हाउसिंग में फिट कर देना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करें, और जो इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, बहुत बहुत आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिले। और क्योंकि इस चैनल पे जो वीडियो होते हैं वो टेक्निकल वीडियो होते हैं, चाहे आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, या कोई भी कार है, जो आपको मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो देता रहता हूँ, क्यों जो कि आपके घर में काम आ सकें, जिससे आपका गाड़ी का जो है इंजन सीज ना हो, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, क्या क्या घर में आप चेक कर सकते हो गाड़ी का, तो वो सारी चीज़ें, सारे वीडियो इस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, यह है चैन। तो चैन वहाँ पे डालने से पहले इसका जो लॉक होता है वो खोलना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि उसको आप कैसे खोल सकते हो। ये देखिए,
इसको अपने कटिंग प्लेयर की मदद से यहाँ से रिमूव करना है। और लगाते समय भी इसको आपने वैसे ही लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है यार, वीडियो को अंत तक देखें और ये देखें, चैन दोस्तों खुल चुकी है। अब इसको हम लगाएंगे और आपने ध्यान से देखना है कैसे लगाना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। ये दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने घर पे रखी हुई हैं। मैं अपनी गाड़ी को घर पे ही काम करता हूँ। और ये देखिए, ये देखिए, और इसमें अभी ये लॉक भी लगा देना है। तो ये जो सारी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब तो हमने क्या करना है, जैसे खोला था इसको वैसे ही हमने इसको टाइट कर देना है और चैन को एडजस्ट हमने करना है व्हील लगाने के बाद में। अभी हम लगा लेंगे व्हील को और उसके बाद चैन को एडजस्ट करेंगे, फिर हम जो इसका कवर है वो लगा लेंगे और उसके बाद जो इसका कवर है वो हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये दोस्तों बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जो अभी काम हमने किया है, ये इजी है। लेकिन क्या है, इसको खोलने के लिए ज़्यादा आपको क्या करना है, क्योंकि सोचना पड़ता है। बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप इस काम को कर सकते हैं। हो सकता है एक बार पहली बार थोड़ी मुश्किल हो, बट आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सल टायर लगा के हम एक्सल लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख देख के ये काम करेंगे तो चैन को लगाना, चैन सेट को लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो अभी हमने एक्सल लगा दिया है, व्हील लगा दिया है, सारी चीज़ें लगा दी हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये जो आगे वाला स्प्रोकेट है उसकी हाउसिंग मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो दो नट पे है आगे वाला जो छोटा स्प्रोकेट है, ये वो दो नट पे माउंट है और चैन हमने बिठा रखी है। हाउसिंग को साफ़ कर लिया है और अभी हमने उस कवर को लगा देना है और ये हमने लगा दिया। और सेम क्या है, व्हील को सारी चीज़ें जो भी नट हमने खोले हैं वो फुली टाइट कर देने हैं और उसके बाद हमने चैन को एडजस्ट कर लेना है। चैन एडजस्ट करने के बाद दोस्तों हमने जो चैन कवर है उसको भी लगा देना है और लास्ट में उसको गाड़ी को करना है ऑन टेस्ट और गाड़ी हो जाएगी आपकी बिल्कुल स्मूथ, जो कि एकदम पानी की तरह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।